रोशनलाल चौधरी को बीजेपी ने बड़का गांव से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने से कुछ देर पहले ही आज सुनेता रोशनलाल चौधरी ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी और बीजेपी एक ही परिवार के अंग है। बड़का गांव से बीजेपी के जीतने का दावा किया है। रोशनलाल चौधरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश ने। कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हुए हैं और इनकी जीत पक्की है, ऐसा बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं और रोशनलाल जी तो कह ही रहे हैं। और पहली बार इस मंच से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा अगर हो गई है कि ये चुनाव लड़ेंगे तो वो रोशनलाल चौधरी जी हैं। आपको लगा कि इतना आश्वासन, बड़ा आश्वासन मिल गया, रिजल्ट उसी प्रकार का आप देंगे? निश्चित रूप से इस बार बड़का गांव विधानसभा पूरे झारखंड में सबसे अधिक से मार्जिन से जीतने वाला सीट होगा। अच्छा, अभी पिछला जो अनुभव रहा आपका 2019 का, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ जिस कारण से आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि साथ साथ 2019 अलग अलग चुनाव लड़ना एनडीए के लिए बहुत बड़ा नुकसान दे रहा और वो नुकसान पूरे झारखंड वासियों का हुआ है। दोबारा हम लोग वो नुकसान करना नहीं चाहते। इस बार एनडीए गठबंधन पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और इस बार एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से झारखंड में सरकार बनाएगी। आपके विरोधी जो सत्ता पक्ष में, वो तो ये भी कह सकते हैं एक ही परिवार के कई लोग राजनीति में आ गए, कहीं न कहीं परिवारवाद का यह प्रतीक है? पूरा बड़का गांव मेरा परिवार है। आज 20 साल से हम वहां के लोगों के साथ रात दिन मेहनत किए हैं, वहां के लोगों के साथ सुख दुख में समस्याओं के साथ जुड़े रहे हैं। पूरा बड़का गांव मेरा परिवार है, परिवारवाद की कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू से सेवा भावना से राजनीति कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो ये रोशनलाल चौधरी जो बीजेपी में शामिल हुए, आप बीजेपी में शामिल होते ही इनके नाम की एक तरह से घोषणा हो गई कि ये बड़का गांव से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, ऐसा कह दिया गया साफ तौर पे। कैमरामैन हेमंत के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।